आज हम दिखा रहे हैं लास्ट बैट मशीन, जो रेलवे का पटरी को वेल्डिंग करता है। पटरी में दो तरह का वेल्डिंग होता है, तो ये जो वेल्डिंग होता है ये मशीन से किया जाता है, दो रेल को जोड़ने के लिए, कटा हुआ पीस को जोड़ने के लिए। तो ये जो मशीन है ट्रैक में भी, रेलवे ट्रैक में भी चलता है और रोड में भी चलता है। जब ज़रूरत पड़ता है तो भी ये मशीन वहीं पे चल जाता है, जो लॉन्ग लॉन्ग वेल्डिंग के लिए, लॉन्ग रूट के लिए, ज़्यादा वेल्डिंग के लिए, ज़रूरत के लिए आता है। ये देखिए ट्रैक में भी चलते हैं। इसका चक्का, ट्रेन का चक्का जो है छोटा सा इसका है, ये है, और इसके अंदर वो मशीन है। मेरा नसीब ख़राब है इसलिए वेल्डिंग का पूरा प्रोसेस नहीं देखा पा रहा हूँ, मेरे यही तक है वीडियो। देखिए इसका अंदर ही है, और इसका देखिए चक्का देखिए, और इसका पूरा फिटिंग है। ये रोड के लिए ये चक्का है, और ये वाला चक्का है ट्रेन का लाइन पटरी का ऊपर से चलने के लिए। ये मशीन, इसका काम है दो रेल को जोड़ने के लिए, प्रेशर से और बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद उसको प्रेशर देके वेल्डिंग करवा जाता है, किया जाता है। और मैनुअली जो करता है उसको एटी वेल्डिंग बोलते हैं। और आज काम के लिए बंद रहेगा, ब्लॉक नहीं दे रहा है इसलिए काम नहीं होगा। तो ट्रक का नंबर, तो बहुत पावरफुल मशीन है। बहुत बढ़िया है, देख सकते हैं कैसे काम करता है वो। आप अगर देखना चाहते हैं तो YouTube में सर्च कर लिए फ्लैश बैट वेल्डिंग मशीन कैसे काम करता है, तो आप देख सकते हैं। और एटी वेल्डिंग जो बोलते हैं, मैनुअली जो आदमी देखे वेल्डिंग करता है, उसको अगर देखना है तो उसको थर्मिट वेल्डिंग बोलते हैं। वो मेरा चैनल भी आपको मिल सकता है, आप सर्च कीजिए एटी वेल्डिंग।